राधे राधे प्रभु। राधे श्याम। मेरा धर्म में तो बहुत ज़्यादा विश्वास है, मतलब बिलीफ सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब मैं भगवान कुछ भी, कोई कोई बोलता है भगवान ऐसे हैं वैसे हैं, मैं हर चीज़ में विश्वास कर लेता हूँ, भगवान ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं पूजन विधि में उतना ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। अभी एक छोटी शुरुआत बताइए जिससे मैं इस रास्ते पर आगे बढ़ सकूँ। मैं बताता हूँ, भगवान सुबह पहले जैसे ही स्नान करें तो सबसे पहला काम प्रत्येक मनुष्य का होना चाहिए सूर्य को जल चढ़ाना, और सूर्य को हमेशा ताम्र पात्र से जल चढ़ाना चाहिए, ताम्र पात्र से। हर सच्चे सनातनी को, जो अपने आप को सनातनी कहता है, नकली से बात नहीं कर रहा हूं मैं, नकली हिंदू बहुत होते जा रहे हैं आजकल, सिर्फ सोशल मीडिया पे हिंदू है, कर्म में कहीं हिंदुत्व नहीं है, बोलने में हिंदुत्व है, कर्म में कोई हिंदुत्व नहीं है। जब तक तुम्हारे कर्म में हिंदुत्व नहीं आएगा, सनातनी नहीं तुम्हारा कर्म होगा, तब तक तुम सिर्फ झूठे हो, सच्चे नहीं हो। और हमें सच्चा सनातनी बनना है, नुकसान झूठा सनातनी देगा हमको और सच्चा सनातनी लाभ देगा हमको। तो आप कर्म करो, ठीक। पहला कर्म प्रत्येक सनातनी को सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए ताम्र पात्र में। सफलता चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, तो उसमें लाल पुष्प या कुमकुम डालकर सूर्य को जल चढ़ाओ, पहला। दूसरा, उसके बाद जिस देवता को भी मानते हो आप, जिन को भी मानते हो, या तो आपने गुरु मंत्र ले रखा है, गुरु मंत्र ले रखा है तो गुरु के दिए हुए मंत्र को चाहे पांच माला ही करो, उस माला को करे बिना जाना नहीं है, दिन की शुरुआत नहीं होनी चाहिए आपकी। आप एक नियम बना लो, जब तक ये पांच माला मैं आज पूरी नहीं कर दूंगा, तब तक मैं भोजन अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा, और ये मेरे सच्चे सनातनी की कसम है। तो आप इसकी शुरुआत पहले कीजिए, इतना भी जब शुरुआत हो जाएगा तो धीरे धीरे जब मन शुद्ध होगा तो पांच की सात होंगी, सात की नौ, नौ की होंगी ग्यारह, ग्यारह की होंगी इक्कीस, और इक्कीस की होंगी 108, और जब बढ़ जाएगी संख्या तो जीवन का कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई दोरा नहीं। शॉर्ट यह है। धन्यवाद प्रभु। राधे राधे।